हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई आखिरकार अपने घर पर आ चुका है। नटखट वांगई अपने दादी के साथ कैसे रहता है, चलिए देखते हैं। सिचेन ने जब वांगई से कहा, वांगई क्या तुम अपने भाई के पीठ पर आना चाहोगे? वांगई लगभग उसके पीठ पर कूद ही गया था, लेकिन तभी उसे याद आया अपनी दादी माँ का डरावना चेहरा। रहने दो भाई, मेरा शरीर थकता है तब भी चलेगा, वरना कोई मुझे बड़े जोर जोर से डांटेगा। वांगी ने मासूम सा डरे हुए बच्चे का चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे उन डरावनी आवाज़ों से बहुत डर लगता है और उन भूतिया चेहरों से भी। वांगी 10 साल के बच्चे जैसा मासूम सा चेहरा बनाकर अपने दादाजी के बगल में जाकर चिपक गया। क्या, मेरे पोते को डांटने की जरूरत किसने की? सीनियर लान तुरंत चिल्लाए। मैडम लान को ऐसा लग रहा था उनकी अंतड़िया अब भी गुस्से से फट जाएगी। ये पिद्दी सा लड़का भूतिया चेहरा और डरावनी आवाज़ें कहकर उन्हें चिढ़ा रहा है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन वांगई के पास 2 रक्षकों की पूरी सेना खड़ी थी। तुम मैडम लान आगे बोल नहीं पाई। वांगई फिर से एक बार अपने दादाजी से चिपक गया और अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, क्या दादाजी हमेशा वांगई की रक्षा करेंगे? उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। मैडम लान को छोड़कर पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था उसका दिल इस शरारती लड़के के नखरों के सामने पिघल न जाए। दादाजी ने तुरंत अपने पंख फैलाकर वांगी को अपने शरण में लिया। वांगई, दादाजी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम बहुत प्यारे और मासूम हो, इसलिए लोग तुम्हें परेशान करते हैं, दादाजी ने कहा। फिर तो मैं गया काम से, वांगई ने प्यारा सा पाउट करते हुए कहा। सिंह बिल्कुल चुपचाप खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसे पता था उसका नटखट बेटा भले भोलों को अपने घुटनों पर ला सकता है। और अब दादाजी की बारी थी। वो वांगी के शक्तिशाली रक्षक जो बन गए थे। मेरे पोते को कोई परेशान नहीं करेगा, सीनियर लान ने घोषणा की। तभी उनके पीछे से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। धन्यवाद दादाजी, वांगी अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला और अपने भाई की तरफ मुड़कर कहा, ये पीठ मुझे दे दो शिचेन का। शिचेन को पीछे से हक करके वांगी जोर से चिल्लाया, आपका तो जवाब नहीं भाई। जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर युआन ने पहले से ही काफ़ी सारे कपड़े सिलवा कर रखे हैं। वो सभी कपड़े लड़कियों के जैसे थे जो वांगई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसने तुरंत सिचेन की तरफ मुड़कर कहा, सिचेन का मुझे ये लाल और पीले कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तो नीला और हरा रंग पसंद है। सिचेन ने तुरंत जिंगी की तरफ देखा। जिंगी ने हाँ में सिर हिलाकर वो सारे कपड़े वहाँ से हटा दिए। जो तुम्हें पसंद हो वही कपड़े पहनना, ठीक है, सिचेन ने वांगई से कहा। तो वांगई ने हाँ में सिर हिलाया। अब जाकर नहा लो, सिचेन ने कहा। तो वांगई ने हाँ में सिर हिलाया। जिंगी तुरंत आगे आकर वांगई की मदद करने लगा। उसने वांगई का रिबन जैसे ही खोला, वांगई के रेशमी बाल पूरे नीचे गिर गए जिससे वो पूरी तरह से ढक गया। नहाने के बाद वांगई अपने इनर रोब्स पहनकर बाहर आया और जिंगी को आवाज़ लगाई। जिंगी बाकी के कपड़ों के साथ तैयार खड़ा था। उसने उसे पहनने में वांगई को मदद की और उसके बाल बनाए। तैयार होने के बाद वांगई ऐसे ही घर में घूम रहा था, तब उसने देखा कि उसके माँ और पिताजी एक दूसरे को टाइटली हग किए हुए हैं। वांगई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब जाकर उसका पूरा परिवार एक साथ हुआ है। लेकिन आगे जो उसने देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पिताजी ने माँ को टाइटली पकड़ लिया था और माँ की तरफ झुककर माँ के होठों पर काट रहे थे, और वांगई की बेचारी मामा उनके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। मामा का सेवियर वांगी तुरंत खिड़की से कूदकर उन दोनों के बीच में चला गया। उसने खींचकर अपनी मामा को अपने पापा से अलग कर दिया। आप मामा को काट क्यों रहे हैं? उन्हें दर्द हो रहा है, वांगी चिल्लाकर बोला। वांगी को ऐसे अचानक से सामने देखकर युआन और चिंग दोनों ही शॉक में थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसे अचानक से टपक कर उनके निजी समय, मूड और इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। वांगी ने अपने माँ के होठों को देखते हुए कहा, देखा कितना सूज गए हैं, कितना दर्द कर रहे होंगे ये गंदे पापा, मेरे मम्मा को परेशान कर रहे हैं। वहां से हटकर बंदर की तरह उछलते कूदते वो चिल्लाने लगा, भैया भैया यहाँ आओ जल्दी से। सिचेन पास से गुजर रहा था। वांगई की आवाज़ सुनकर वो भी भागा भागा अपने पिता के कमरे में आया। इधर दोनों माता पिता शर्म से पानी पानी हो चुके थे। शायद आज वांगई उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लान युआन अपना सर झुकाकर सोच रहा था। वो तो बस अपनी पत्नी को खाना खाने से पहले गले लगाना चाहता था।
लेकिन अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर वो भावनाओं में क्या बह गया। उसका बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए आदम का, और अब शायद वो उसे बचाकर ही छोड़ेगा। क्या हुआ, सिचन ने कमरे में आते ही पूछा। वांगी ने अपने माँ के होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पिताजी ने माँ को काटा। सिचन ब्लश करने लगा, वांगी की वजह से उसे क्या कुछ देखना पड़ रहा है। वांगी, ये सब इसलिए क्योंकि पापा माँ से प्यार करते हैं। सिचिन सीधे सीधे शब्दों में वांगी को बताना चाहता था ताकि वो अपने माता पिता को और शर्मिंदा ना करे। वांगी अपने पैर पटकते हुए बोला, उन्होंने माँ को काटा, ये कैसे बह रहे। सिचिन वांगी के सर को सहलाते हुए उसके कान में बोला, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। चिंग ब्लश करते हुए बोली, यी मम्मा ठीक है, पापा तो बस। वो आगे बताने के लिए शब्द जोड़ ही रही थी तभी योहान ने कहा, मैं तुम्हारी मम्मा को किस कर रहा था। वांगी ने दो तीन बार अपनी पलकें झपकाई और पिताजी की तरफ देखकर पूछा, किस क्या होता है। अब हनुमान जी की पूंछ खींचने का कोई फायदा नहीं था। चिंग ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, जब वक्त आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। वांगी ने देखा कि कमरे में उपस्थित सभी आंखें उसे ही घूर रही है। इसका मतलब साफ था, बात खत्म हो चुकी है। उसने पाउट किया और सिचन के पीछे पीछे खाना खाने के लिए चला गया। जब वो खाना खाने जा रहे थे, जिंगी धीरे से वांगी से बात करने लगा, वांगी मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा एक अच्छा नौकर भी बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा अपमान नहीं सकता। इसलिए अच्छे बच्चे बनो और अपने परिवार के साथ खाना खाओ। सिचन ने भी ये बातें सुनी। उसने अपने छोटे भाई को समझाया, वांगी जिंगी को खुद तय करने दो कि उसे कहाँ बैठकर खाना है। कभी कभार चैन समुदाय में भी ऐसा होता था, जब कोई उत्सव होता था जिंगी सभी नौकरों के साथ मिलकर काम किया करता था, तब वो रोज़ की तरह वांगी के साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। इसलिए वांगी ने इस परिस्थिति का ऐसा अर्थ लगाया कि शायद घर में कोई उत्सव आने वाला है। जब सभी भोजन कक्ष में पहुंचे, लान युआन चिंग को लेकर आ गया। वांगी तुरंत अपने माँ के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसके होठों को घूर कर देखते हुए बोला, अभी भी सूजे हुए हैं गंदे पापा। चिंग ने तुरंत अपना सर झुका लिया और युआन इधर उधर देखने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैडम लान उनकी तरफ आंखें छोटी करके देखने लगी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एकाएक वांगी चिल्लाया, मामा मुझे भूख लगी है। चिंग ने राहत की सांस ली। कुछ देर के लिए ही सही, वांगी के दिमाग से ये बात निकली तो सही। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। तभी मैडम लान ने कहा, क्या चैन समुदाय में तुम्हें भूखा रखा जाता था। क्योंकि सिचन ने वांगे की प्लेट में काफ़ी सारा खाना परोस दिया था और वांगे भी बिना किसी शर्म लिहाज तमीज़ के वो खाना ठूसे जा रहा था, क्योंकि उसके लिए वो खाना अलग और स्वादिष्ट था। वांगे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सभी खाना अपने मुंह में ठूसे जा रहा था। ये सब कुछ देखकर मैडम लान का गुस्सा कब से सातवें आसमान पर था, फिर भी वो चुप बैठी थी। लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वो बोल पड़ी, क्या चैन समुदाय में स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी माँ चैन समुदाय की मुखिया है, क्या वो तुम्हें भूखे मारते थे। ऐसी कड़वी बातें सुन के सबसे पहले तो वांगई के हाथों से चॉपस्टिक नीचे गिर गई। अपनी दादी की तरफ देखकर वो बोला, चैन समुदाय में दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना मिलता है। जिस तरह से वो खाना बनाते हैं वो देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। उसी खाने की बदौलत वहाँ पर रहने वाले लोग इतने खूबसूरत हैं। और हाँ, मेरे दादाजी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि समुदाय में कोई भी भूखे पेट ना रहे। मुझे अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद लेना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने समुदाय की बुराई सुनूंगा, क्योंकि हम सब एक परिवार है। वांगी ने सीधी बात कही थी, लेकिन वो सीधी बातें भी कभी कभी बहुत चुभती थी। युआन अपने बेटे की बातों से बहुत प्रभावित हो गया। उसने तुरंत खड़े होकर वांगई को गले लगा लिया। हम भी एक परिवार है, युआन ने कहा। सिचन भी खड़ा होकर उन दोनों से जुड़ गया। उसने वांगी के सर पर थपथपाते हुए कहा, मेरा होशियार वांगी, अगर तुम सही से खाना खाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी सही चलने लगेगा, तो शायद तुम्हारे मुँह से निकलने वाली बातें भी सही होंगी। सीनियर लान ने तुरंत अपनी पत्नी को चुप कर दिया। फिर से एक बार मैडम लान के अहंकार को जोर से चपेट पड़ी थी। सीनियर लान ने अपने हाथ में वाइन कप लेते हुए उसे टॉस किया और कहा, वांगई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तीसरे राजकुमार से शादी करने के लिए लौटा है, इसलिए पूरा लान परिवार उसका आभारी है।
अपनी इस उम्र में भी मैं अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूँ, कहते हुए लानी वय ने अपना कप तुरंत टेबल के बीच में रखा। लान परिवार के नाम कहते हुए लान युआन ने भी अपना कप टेबल के बीच में रखा। पूरे परिवार ने इस चीज़ का अनुकरण किया। बाकी का खाना चुपचाप निपट गया। जब सब लोग खाना खा चुके थे तब मैडम लान ने अपने एक नौकरानी से कहा, मैडम वांग को बुला कर लाओ। नौकरानी अपने साथ एक औरत को लेकर आई। मैडम लान ने उसका परिचय सबको देते हुए कहा, ये मैडम वांग है, ये पहले राजमहल में काम कर चुकी है, इसलिए राजमहल के तौर तरीके बहुत अच्छे से जानती है। मैं बचपन से इन्हें जानती हूँ, ये वांगी को राजमहल के तौर तरीके सिखाने में मदद करेंगी, ताकि महल जाने के बाद वांगई को कोई परेशानी ना हो। वांगई ने आंखें रोल करते हुए मुंह बनाया। दादी के जैसे एक और खड़ूसता थी। मुझे नहीं लगता इस परिवार में कोई भी मुझे चैन से जीने देगा। वांगई की बातें सुनकर पूरे माहौल में हंसी की आवाज़ गूंज उठी। यहाँ तक कि नौकर भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वांगई को चुपचाप बैठा देख कर सिचन ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, जब तुम अच्छे से सीख जाओगे तब भैया तुम्हें मज़े करने के लिए बाहर ले जाएंगे। वांगई ने तुरंत अपने भाई की तरफ घूर कर देखा। उसकी काली चमकती आँखें साफ साफ कह रही थी, बेहतर होगा आप अपना वादा याद रखो। खाना खाने के बाद वांगई अपने कमरे में लौटा। ये कमरा बहुत बड़ा था, उसे नींद आना भी मुश्किल था। उसे अपने चैन परिवार के छोटे से लेकिन प्यार से भरे कमरे की याद आ रही थी। काफ़ी बार करवटें लेने के बाद आखिरकार वांगई को नींद आ ही गई। आगे देखेंगे कि नया सवेरा वांगई की ज़िंदगी को खुशी से भर देगा या फिर उसका मज़ा किरकिरा कर देगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।